तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है इंस्टाग्राम के किसी भी रील्स के ऊपर खाली कमेंट कैसे कर सकते हो, मतलब कि एम्प्टी कमेंट, ब्लैंक कमेंट कैसे कर सकते हो। तो इस तरह का जो ट्रेंड है आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, कुछ रील्स में आपको बोला जाता है कि आप खाली कमेंट करके दिखाओ, और वहाँ पर बहुत से लोगों ने खाली कमेंट मतलब ब्लैंक कमेंट जो है कर भी दिया होता है, और आप जब करने जाते हो तो आपका होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अगर स्पेस एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी सेंड करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इस तरह का अगर आपको आ रहा है, आप भी खाली कमेंट करना चाहते हो तो कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी खाली कमेंट करके रखा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैं जो है दो तरीके बताने वाला हूँ, तो दोनों में से आपको जो भी सही लगे उसको आप यूज कर लेना। ओके, तो पहला जो तरीका है इसके लिए आपको यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें आपको कोई भी एडवर्टाइज वगैरह नहीं आती, इसलिए यहाँ पर मैं ये जो एप्लीकेशन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप जो है इसका आसानी से यूज कर सकते हो। तो इसको आप जैसे इंस्टॉल करके ओपन करोगे, इसका यूज कैसे करना है देख लीजिए। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने सिंपल सा इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो खाली कमेंट है मतलब एम्प्टी कमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, और आप कितने कैरेक्टर का जो कमेंट है या फिर मैसेज है वो बनाना चाहते हो वो आप ऊपर लिख दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट 1 पर है, तो अगर यहाँ पर हम जो है 50 लिखेंगे और जनरेट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू में दिखाई देगा कि कितना बड़ा आपका कमेंट दिखने वाला है। तो आप अपने हिसाब से जितना बड़ा करना चाहते हो उतना आप यहाँ पर अमाउंट या फिर जो नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन मिलता है न्यू लाइन का, तो ये क्या है, तो इसका यूज करके मतलब अगर आप चाहते हो कि लाइन के हिसाब से आपका कमेंट हो जाए, मतलब ये जो है कैरेक्टर के हिसाब से हमने किया है, तो अगर आप न्यू लाइन के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप जो है नंबर बढ़ाओगे, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखूँ 100 है, उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर हमने न्यू लाइन को ऑन करके जनरेट पर क्लिक किया और जितना नंबर हमने यहाँ पर एंटर किया उतने लाइंस यहाँ पर बन गए, मतलब उतना लाइन के हिसाब से यहाँ पर कमेंट जनरेट हो गया है ब्लैंक वाला। तो बेसिकली आपको जितना बड़ा कमेंट लिखना है उतना आप यहाँ पर नंबर लिख देना, और यहाँ पर आपको जो है सिंपल से कॉपी ऑप्शन कर देना है क्लिक। तो कॉपी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, लेकिन कॉपी करोगे तो आप कहीं पर भी उसको पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी रील्स को ओपन कर लीजिए। तो चलो अभी यहाँ पर हम इसके ऊपर जाके देखते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है लॉन्ग पेस्ट करना है, और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए लॉन्ग प्रेस करने के बाद, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर जो है टेक्स्ट नहीं है। तो अब बस यहाँ पर मैं सिंपल से सेंड करूँगा, और यहाँ पर आप देखना यहाँ पर खाली कमेंट हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी रील्स के ऊपर खाली कमेंट कर सकते हो। तो अभी चलो यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो दूसरा तरीका यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल दी है, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप उस टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक एम्प्टी टेक्स्ट का जो फाइल है उसको आपको यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर का आपको टेक्स्ट जो है कॉपी करना है लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से। तो जैसे आप इसको कॉपी कर लेते हो, इसके बाद अभी आपके यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिए, और जिस भी रील्स के ऊपर आप खाली कमेंट करना चाहते हो उसको ओपन करके यहाँ पर आप जो है खाली कमेंट पेस्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको रील्स के ऊपर कमेंट करके। ओके, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर खाली कमेंट हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इंस्टाग्राम के किसी भी रील्स के ऊपर खाली कमेंट कर सकते हो, एम्प्टी कमेंट या फिर ब्लैंक कमेंट कर सकते हो। तो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही नहीं, आप यूट्यूब पर भी इसको पेस्ट करके देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।